हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे हैं। टुडे दिस इज माय सेकंड टॉपिक इन द चैनल एंड द टॉपिक इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, इट इज रिफ्लक्स ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक इनटू द इसोफेगस, बैकफ्लो ऑफ एसिड्स ऑफ स्टमक इनटू द इसोफेगस। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड दिस इज योर स्टमक। स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। उस एसिड का बैकफ्लो होना इनटू द इसोफेगस, दिस इज गर्ड और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अभी कैसे होता है, लेट्स गो टू द एटियोलॉजी। वी हैव लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इट इज अ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्मली इट रिमेन्स क्लोज्ड, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन वी स्वॉलो फूड। जब हम खाना खाते हैं तो ये जो स्फिंक्टर है ये खुल जाता है और खाना लोअर एंड ऑफ इसोफेगस से कहां जाएगा, इनटू द स्टमक। तभी इसको हम फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर बोलते हैं। नॉर्मली इट इज टाइटली कंस्ट्रक्टेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वेलोइंग। बट गर्ड के केस में क्या होगा, देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ इसोफेगस और यू कैन से इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जब ये रिलैक्स रहेगा तो थोड़ा थोड़ा एसिड जो स्टमक में बनता है वो बैकफ्लो होगा लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में, विच विल गिव राइज टू ऑल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ गर्ड। Now we'll talk about the predisposing factors which lead to GERD. First is alcohol, second is smoking, third is obesity and pregnancy. Alcohol, smoking, these all four factors, obesity plus pregnancy, these all decrease the tone of lower esophageal sphincter. Also in obesity there is increased intra-abdominal pressure which contribute to decreased tone, and pregnancy may there are hormones, estrogen and progesterone, which also decrease the tone of LES, which ultimately leads to GERD. Symptoms की बात करें तो there are typical and atypical symptoms. Patient आता है और patient अपनी language में क्या बोलेगा कि हमें खाने के बाद खट्टे डकार बन रहे हैं। जैसे ही मैं खाना खाता हूँ उसके बाद मुझे खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। और क्या बोलेगा, मुझे यहाँ पे बहुत छाती में बहुत जलन होती है, इन पेशेंट लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न, बेल्चिंग, हार्ट बर्न, ऑल्सो नोन एज रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। बेल्चिंग इज खट्टे डकार आना। देन देर इज डिस्फेजिया, डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। दीज आर दी टिपिकल सिम्टम्स। अगर कोई भी पेशेंट हार्ट बर्न बेल्चिंग का सिम्टम लेके आते हैं, यू कैन इजिली डायग्नोज गर्ड, ठीक है। एटिपिकल सिम्टम्स में क्या होगा, बिकॉज ऑफ रिफ्लक्स ऑफ एसिड कंटिन्यूसली इन टू द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, देर कैन बी डेंटल केयरीज, ठीक है। ऑल्सो देर कैन बी नॉक्टर्नल एस्थमा बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ लंग्स ड्यू टू बैकफ्लो ऑफ एसिड। देन यू कैन हैव ओडाइनोफेजिया। Now investigations, normally there is no need, from history we can confirm the diagnosis, but if you have to investigate then we can go for 24 hours pH manometry. Second is endoscopy. Endoscopy tab karte hain agar patient symptoms history de raha symptoms ki, jaise odynophagia hai, painful swallowing hai usko, ya fir usko global sensation hai, wo bolega ki mera jo gala hai wo sun ho jata hai, ya fir weight loss ki history hai, ya fir हिमाटोमिसिस है, जो है खून की उल्टी। अगर ये सारे सिम्टम्स है देन वी गो फॉर एंडोस्कोपी टू रूल आउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज फर्स्ट इज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकेंड इज मेडिकल थेरेपी, लास्ट इज सर्जरी विच इज द लास्ट ऑप्शन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है, वी हैव टू टेल द पेशेंट टू क्विट एल्कोहल, टू क्विट स्मोकिंग, देन वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू लूज वेट। और क्या करेंगे, ये तीन चीजें हो गई, और क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स ले, 4 से 6 बार खाएगा पर बिल्कुल कम कम खाएगा, प्लेट पूरी भर के नहीं खानी है। और उसको हम बोलेंगे खाने के बाद इमिडिएटली लेटना नहीं, एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स यू डोंट हैव टू ले डाउन। और फिर हम जाएंगे मेडिकल थेरेपी पे। एंटासिड्स आर जस्ट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, ठीक है, क्योंकि दे न्यूट्रलाइज द एसिड। मेन ट्रीटमेंट इज प्रोटोन पंप इनिबिटर्स विच डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। तो मेन ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोटोन पंप इनिबिटर लाइक ओमेप्रिजोल। देन वी कैन गिव प्रोकाइनेटिक ड्रग्स which increase the stomach motility like domperidone. Last option is surgery which is Nissen's fundoplication, जिससे हम lower end of esophageal को esophagus को tight करते हैं। तो these are the summary of gastroesophageal reflux disease. I hope आपको ये video अच्छी लगी हो, please do comments. Thank you so much.